क्यों काटा भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक। कई बार बहुत से लोग इस विषय को लेकर बहस कर लेते हैं, कई बार हम लोग भी इस टॉपिक पर बहस कर चुके हैं। फिर मैंने इस पर थोड़ा सर्च किया और मुझे कुछ गूढ़ रहस्य के बारे में पता चला, तो फिर मैंने इस वीडियो को बनाया। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव ने क्यों काटा था गणेश जी का मस्तक, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। यह तो सभी जानते हैं कि गणेश जी माता पार्वती के पुत्र हैं। माता पार्वती ने उन्हें अपने शरीर के मेल से बनाया था और माता पार्वती ने उन्हें कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की। बात उस समय की है जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तभी उनकी सहेलियों के साथ वहां कोई भी गण या फिर देवता कोई भी संदेश लेकर पहुंच जाता था। इस माता को क्रोध आ जाता था। उनकी सहेलियों ने उन्हें बताया कि आपको कोई पहरेदार द्वार पर रखना चाहिए ताकि आपकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। माँ पार्वती ने नंदी को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी कक्ष में प्रवेश ना कर सके, वह वहाँ पहरा दे और जब तक हम स्नान ना कर ले तब तक कोई कक्ष प्रवेश ना कर सके। किंतु कुछ समय पश्चात वहाँ स्वयं महादेव आ गए। नंदी जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु महादेव को रोकना नंदी जी के वश में कहा था। वह कक्ष के भीतर प्रवेश कर गए, जिससे माँ पार्वती ने कहा कि आपको नंदी जी की बात माननी चाहिए क्योंकि मैंने ही उसे द्वारपाल नियुक्त किया है और मैं जब तक स्नान ना कर लूं किसी को भी मैंने आने के लिए मना किया था। भगवान शिव ने कहा, मैं तो केवल इतना ही बताने आया हूं कि मैं काफी समय तक समाधि में लीन रहूंगा और अब मैं यहां से जा रहा हूं। माता पार्वती ने सोचा कि पहरेदार ऐसा होना चाहिए जो केवल मेरी ही बात माने। माता जी यह सोचकर गणेश जी का निर्माण किया और गणेश जी को पहरेदार नियुक्त किया। गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए किसी को भी उनके कक्ष तक जाने नहीं दिया और माता को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं देते थे, जिसकी वजह से सभी गण लोग उनसे क्रोधित रहते थे। माता पार्वती निश्चिंत हो गई। अब माता पार्वती स्वयं जिससे मिलना चाहे उससे मिलती थी, किंतु माता पार्वती से कोई नहीं मिल सकता। एक बार देवराज इंद्र देवताओं के साथ माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश गए, तभी भगवान गणेश ने उन्हें रोका और फिर इंद्र के नाम मानने पर भगवान गणेश ने उन्हें दंडित भी किया और महादेव के गणों की भी खूब पिटाई की। सभी देवता और बुद्ध भगवान शिव के पास गए, जहां वह समाधि लगाए हुए थे। भगवान शिव को पूरा वृतांत सुनाया। भगवान शिव उस अद्भुत बालक से मिलने पहुंचे। बालक ने उन्हें भी रोक दिया। भगवान शिव जी ने उन्हें लाख समझाया, फिर भी जब गणेश जी नहीं माने तो भगवान शिव वहां से चले गए। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो वह दोनों भी गणेश को समझाने के लिए वहां आए, पर भगवान गणेश ने किसी की बात नहीं मानी और उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु और गणेश जी में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह देखकर भगवान शिव जी प्रकट हुए। गणेश जी ने सभी का अपमान किया और सभी का मान भंग कर दिया। यह देखकर भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया और भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश जी की मस्तक काट दी। माता पार्वती ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इस संसार का सर्वनाश कर दूंगी। भगवान शिव जी ने कहा भगवान विष्णु को कि आप ऐसे हाथी का मस्तक लाए जो अपनी माता की तरफ पीट करके सोया हो, उसके मस्तक को गणेश के मस्तक से जुड़े, तभी गणेश जी जीवित हो सकते हैं। भगवान विष्णु ने हाथी का मस्तक लाया और भगवान गणेश जी जीवित हो गए। दोस्तों, भगवान शिव जी जानते थे कि गणेश उनके पुत्र हैं, किंतु गणेश जी के मन में जो अहंकार उत्पन्न हो गया था, उस अहंकार को दूर करने के लिए ही भगवान शिव जी ने यह लीला रची थी। जिस प्रकार दक्ष प्रजापति को अहंकार हुआ था, तो भगवान शिव ने उनका मस्तक काट कर बकरे का शेर लगा दिया था, ताकि वह अपने अपराध को सदैव याद करके उसका पश्चाताप करते रहे। हमें अपनी शक्ति पर और अपने भक्ति पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी किसी बड़े का मान भंग नहीं करना चाहिए। अन्याय अधर्म कुमति से दूर रहना चाहिए। माता की आज्ञा मानकर पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। सदैव अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मातृभक्त बन के पिता का अपमान न करें, यही सीख मिलता है हमें इस कहानी से। अगर आप शिव के भक्त हैं तो भगवान विष्णु का अपमान न करें, नहीं तो रावण की तरह दंड मिले।
मिलेगा और यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, शिव का अपमान ना करें, नहीं तो दक्ष की तरह दंड मिलेगा। सभी का सम्मान करें और बुराइयों से दूर रहें। रामायण या पुराण हमें यही शिक्षा देते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जरूर उत्तर देंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में मित्रों में इसे शेयर करें और चैनल